अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक टू ऑरेंज शॉर्ट्स। आज हम आपके लिए एक और नई और मज़ेदार किस्म की वीडियो लेके हाजिर हैं, और वीडियो ये थी कि आप अपने जहाज़ की फ्यूलिंग कैसे करते हैं, हाउ योर वेसल टेक्स फ्यूल, आपका जहाज़ चलता कैसे है, फ्यूल खर्च करता है तो उसके बाद आप कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। वेल, द आंसर टू ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस इज इन टुडेज वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। ये जो प्लेस आपको मेरे पीछे नज़र आ रही है, दिस इज़ अगेन द सिटी ऑफ सिंगापुर और द कंट्री ऑफ सिंगापुर, क्योंकि मुल्क का नाम भी सिंगापुर है और शहर का नाम भी सिंगापुर है। दिस प्लेस सिंगापुर इज कंसिडर्ड एज द डार्लिंग फॉर बंकरिंग द वेसल्स। नाउ व्हाट इज़ बंकरिंग? अपनी गाड़ी में आप फ्यूल डलवाते हैं, अपने जनरेटर में आप फ्यूल डलवाते होंगे, अगर आपने जनरेटर रखा हुआ तो आप डिफरेंट चीज़ों में फ्यूल डलवाते होंगे, हम उसको कहते हैं रीफ्यूलिंग। लेकिन हमारी मर्चेंट नेवी की लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी ज़रा डिफरेंट होती है। हमारी मर्चेंट नेवी की लैंग्वेज में इसी चीज़ को बंकरिंग का नाम दिया जाता है, यानी कि अ वेसल इज़ बंकरिंग। बंकरिंग का सिंपली मतलब ये होता है कि अपनी ज़रूरत का तेल, ज़रूरत का ऑयल जो कि हमने जहाज़ में बर्न करना है, जलाना है, उसको हम ले रहे हैं। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हियर इज़ कि जहाज़ पे एक तरह का फ्यूल यूज़ नहीं होता, जहाज़ पे दो तीन तरह के फ्यूल्स यूज़ होते हैं। उसमें आपका MGO होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज मरीन गैस ऑयल, विच इज़ नेसेसरली अ डीजल ऑयल। आपका MDO होता है, मैरीन डीजल ऑयल, अगेन दैट्स द डीजल ऑयल। आपके पास HFO होता है जो कि अब इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं रही। अब आपके पास VLSFO होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल, ताकि हम लोग हवा के अंदर पोल्यूशन कम से कम फैलाएं। ऑल ऑफ दीज डिफरेंट फ्यूल्स ये जहाज़ में डिफरेंट मशीनरी में यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ औकात में यूज़ होते हैं। लेकिन इस वीडियो को सिंपल रखने के लिए और इस पर्पज़ के लिए कि हम एक सिंपल छोटी सी और आसान सी बात कर सकें, लेट्स फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग और हम सिर्फ बात करते हैं कि जहाज़ में फ्यूल ऑयल बर्न होता है। लेट्स नॉट टॉक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल ऑयल इज दैट। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था ना कि द शिप्स दे यूज़ अ लॉट ऑफ फ्यूल। फ्यूल जो है ना जहाज़ में यार इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम अपने इस साइज़ के जहाज़ की बात करें, इसी जहाज़ की जिस पर मैं अभी हूँ, तो वी यूज़ अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 60 टन पर डे, तकरीबन 60 टन रफली। आई मीन इट्स नॉट एक्यूरेट रफली, बड़े जहाज़ इससे भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैंने एक ऐसे जहाज़ पे भी सेल किया हुआ है जो कि एक दिन में 89 टन फ्यूल इस्तेमाल करता था। यहाँ पे लीटर्स की बात नहीं हो रही, टन्स की बात हो रही है। तो अब इतना ज़्यादा फ्यूल अगर आपका जहाज़ यूज़ करेगा, और आपके जहाज़ ने फिर दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर जाना है, यूरोप जाना है, चाइना जाना है, US जाना है, सम ऑफ़ द वॉयज आर वेरी लॉन्ग, तो जहाज़ के अंदर आपके पास इतना फ्यूल होना चाहिए कि आप नेक्स्ट वॉयज को परफॉर्म कर सकें। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि हम हमेशा अपने जहाज़ को फ्यूल ऑयल से फुल नहीं रखते। अच्छा जी, हो गया आपका हॉर्न, बंकर बार जा रही है। हम अपनी ज़रूरत का फ्यूल ऑयल सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखते हैं और मैक्सिमाइज़ इसलिए नहीं करते, ये भी बात मैं आपको बताता चलूँ, कि जहाज़ में हमने अपनी कार्गो कैरिंग कैपेसिटी को कम नहीं करना होता। आप जो अगर फ्यूल ज़्यादा ले लेंगे तो डेफिनेटली आपको फिर कार्गो उतना ही कम लेना पड़ेगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़रूरत का अगले वॉयज के हिसाब से, और उसके बाद इस हिसाब से कि हम दोबारा ऐसी जगह पर आ जाएँ जहाँ पर हमें बंकर मिल जाए, हम इस हिसाब से जो है वो फ्यूल ऑयल अपने जहाज़ पे रखते हैं। इस पॉइंट पे मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ कि हम कहाँ पे बंकर अपना ले सकते हैं। सो व्हाट वी यूजुअली डू इज़ दैट द स्कीमेटिक्स आर वेरी सिंपल। हम कैलकुलेट करते हैं कि यार हमें कितना कार्गो लोड करना है, अगला वॉयज कितना लंबा है, वापसी पर हमें कितना टाइम लगेगा, और फिर उस ज़रूरत के हिसाब से हम फ्यूल ऑयल लेते हैं। क्योंकि आज द क्वेश्चन के जाहिर वाई डज इट हैपन दैट वे, ऐसा क्यों होता है कि मतलब जहाज़ किसी जगह पर जाएगा, वहाँ से फ्यूल लेगा, फिर वापस आएगा, क्यों? बाकी दुनिया में क्या आपको फ्यूल नहीं मिलता? नहीं, हमें तकरीबन हर जगह से फ्यूल मिल जाता है। सो इट्स नॉट द पॉइंट कि हमें कहीं फ्यूल मिलता है या नहीं मिलता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बताया कि जहाज़ तकरीबन 60 टन फ्यूल रोज़ाना खर्च करता है। इसका मतलब ये कि हमें तकरीबन हर वक्त अपने पास 2500 से लेकर 3000 टन जो है तेल अपने पास रखना पड़ता है। तो अब इस पूरे के पूरे सिनेरियो में आप ये देखें कि अगर आप एक जगह से महंगा फ्यूल ख़रीद लेंगे तो 2500-3000 टन का मतलब है कि ये हज़ारों डॉलर बनते हैं। कोई भी शिप ओनर हज़ारों डॉलर फालतू के खर्च करने को तैयार नहीं होता। ज़रूरत है, इमरजेंसी, ये बात और है। दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे फ्यूल काफ़ी सस्ता मिलता है, आई मीन कंपैरेटिव टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सम ऑफ द प्लेसेस जो कि हमने इस पर्पज़ के लिए मार्क की हुई हैं वो सिंगापुर हो गया, ताइवान हो गया, फुजैरा दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जिब्राल्टर हो गया, उसके बाद आपके कैनरी आइलैंड्स हो गए, नोवोरोसियस्क हो गया रशिया में, पनामा हो गया, क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर क्या है कि दे आर ड्यूटी फ्री, वहाँ पर ज़्यादा टैक्सेस नहीं है, तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको फ्यूल ऑयल जो है वो सस्ता पड़ जाता है। अगर आपको वही 50-60 डॉलर एक जगह पे महंगा पड़ेगा टन के हिसाब से, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें फिर कहानी कहाँ जाके पहुँचेगी। दैट प्रीटी मच ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हम फिर ये बंकरिंग करते कैसे हैं। वेल, देर आर टू वेज जिस तरह हम बंकरिंग करते हैं। इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पे डिफरेंट बंकर बार्चेज में आपको दिखा रहा हूँ,
ये बार्जेस छोटे छोटे जहाज़ होते हैं, स्मॉल शिप्स, ऑल दे डू इज़ कि ये सिर्फ, फॉर एग्जांपल हम सिंगापुर में हैं तो ये सिर्फ सिंगापुर के अंदर ही घूमते हैं, ये बाहर दूर तक नहीं जाते। इन बार्जेस के अंदर तेल होता है 2,500 टन, 3,000 टन, 5,000 टन, 8,000 टन। हम ऑलरेडी उस फ्यूल को ऑर्डर करते हैं, बेसिकली वी टेल आर ऑफिस टू ऑर्डर देम, ऑफिस उनको ऑर्डर करते हैं और फिर ये जहाज़ हमारे अलॉन्ग साइड आते हैं। जैसे आपको ये कुछ एक दो जहाज़ बंधे हुए नज़र आ रहे हैं, इनसे पाइप हमारे जहाज़ पे आता है, फिर हमारे जहाज़ पे फिक्स पाइपिंग है, वहाँ से वो तेल आके और हमारे बंकर टैंक में स्टोर हो जाता है। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सेकेंड मेथड क्या होता है कि कुछ पोर्ट्स जो हैं दुनिया की, फॉर एग्जांपल नोवोरोसियस्क हो गया, कराची भी मेरे ख्याल में मिल जाता है, मुंबई में नहीं मिलता, सिंगापुर में मिल जाता है। आई मीन इट डिपेंड्स फ्रॉम टर्मिनल टू टर्मिनल, फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट। कुछ पोर्ट्स में क्या है कि आपकी अगर बर्थिंग हो रही है और आप कार्गो लोड कर रहे हैं या डिस्चार्ज कर रहे हैं तो साथ ही वहाँ पे आप बंकरिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी टर्मिनल के ऊपर, जेटी के ऊपर फिक्स पाइपलाइन लगी हुई होती है। आप अपने होजेस सिंपली उस पाइपलाइन से कनेक्ट करते हैं, आप ऑर्डर करते हैं कि हमें इतना फ्यूल चाहिए। दिस शिप इज़ वेरी क्लोज, क्या कर रहा है ये? दिस इज़ द प्रॉब्लम विद सिंगापुर, यहाँ पे इतनी ज़्यादा कंजेस्टेड ट्रैफिक होती है। मैं आप जहाज़ का साइज़ देखें, कहाँ से गुजर रहे हैं, हम खुद खैर ऐसे गुजर के आए हैं, क्या करें? अभी दुनिया में जहाज़ बहुत हो गए हैं, जगह दुनिया में बहुत कम रह गई हैं, स्पेशली सिंगापुर, विंगापुर, फुजैरा, जिब्राल्टर, इन एरियाज़ में, पनामा में बहुत कंजेशन होती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि कुछ बर्थ्स के ऊपर, कुछ टर्मिनल्स के ऊपर ऑलरेडी फिक्स पाइपलाइंस लगी हुई होती है, उन पाइपलाइन से आप अपने होजेस को कनेक्ट करते हैं, अपने जहाज़ पर जितना आपने ऑर्डर किया होता है उतना फ्यूल लेते हैं, और उसके बाद देन सेम फ्यूल इज़ यूज इन योर बॉयलर्स, इन योर जनरेटर्स, इन योर मेन इंजन, और इस तरीके से हमारे जहाज़ का काम चलता है। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ वी डू दैट स्टफ। पहले से हम फ्यूल ऑर्डर कर देते हैं और उसके बाद उसी हिसाब से हम अपना फ्यूल जो है उसको अपने जहाज़ पे ले लेते हैं, एंड देन वी स्टार्ट यूजिंग इट। और इस तरीके से दुनिया के मुख्तलिफ जहाज़ मुख्तलिफ जगहों पे चलते हैं। सम ऑफ देम टेक गैस ऑयल, सम ऑफ देम टेक VLSFO, कुछ HSFO लेते हैं, फिर उनका स्क्रबर शक्रबर है वो एक खैर अलग कहानी है। एंड दैट इज़ हाउ बेसिकली इन अ नटशेल आप जो है वो डिफरेंट जगहों से अपने जहाज़ को बंकर करते हैं, एंड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज बंकरिंग। सो आई एम श्योर कि आपको आज की वीडियो देखकर भी मज़ा आया होगा, आपको एक मरतबा फिर एक नई बात पता चली होगी कि जहाज़, इतने बड़े बड़े जहाज़ जो है वो बंकरिंग करते कैसे हैं, जिसको आम फहम जुबान में रिफ्यूलिंग कहा जाता है। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बताता चलूं कि अगर हमें इंतहाई ज़रूरत हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल सर्कमस्टांसिस, आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रीम वंस एंड वी हैव डन इट वंस, अगर हमें इंतहाई ज़रूरत हो और हमारी कंपनी का कोई और जहाज़ हो, तो ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि आप उस जहाज़ से बंकरिंग कर लें, बट देन दैट वुड बी एन STS ऑपरेशन, दैट वुड बी अ लॉन्ग स्टोरी। आई थिंक इट इज़ मच ईजियर एंड मच चीपर कि आप जो है वो शोर पे ऑर्डर करें और आप उन लोगों को बोलें कि जनाब आएँ और हमारे जहाज़ को बंकर दे के चले जाएँ। दैट इज़ हाउ द वेसल्स रन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विथ टन्स ऑफ लव टू माई ऑरेंज फैमिली एंड टू बी ऑरेंज फैमिली, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे हैप्पी, स्टे वेल, स्टे सेफ। This is Orange Shorts. I am Zahid Nisar. Allah Hafiz.